नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का AAS अकेडमी में और मैं हूं आपके साथ अरविंद। दोस्तों आज हम चर्चा कर रहे हैं मध्य प्रदेश में जो CPCT का एग्जाम होता है उसके बारे में चर्चा करेंगे, उसमें कितने मार्क्स के आपके क्वेश्चंस आएंगे और CPCT में जो टाइपिंग स्पीड होती है हिंदी की इंग्लिश की उसमें किस तरीके से आपको टाइपिंग की स्पीड बढ़ाना है उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। और दोस्तों मैं आपको एक बात और बता दूं कि मैंने जैसा कि थंबनेल में लिखा है कि आप एक बार में भी CPCT निकाल सकते हैं, तो ये बात सच है, कोई बुरी बात नहीं है। और आप यदि मेहनत करेंगे तो 100% आपका CPCT फर्स्ट टाइम में निकल जाएगा, क्योंकि यदि आपकी तैयारी प्रॉपर नहीं है तो आपको सेकंड टाइम में मतलब नहीं देना चाहिए। मैं चाहता हूं कि पूरी तैयारी करके ही CPCT देना चाहिए, लेकिन CPCT का एग्जाम देना इतना टफ नहीं है। मेरे को इसके बारे में पहले इतना नॉलेज नहीं था, लेकिन जब मैंने देखा समझा और इसको जब इसके अंदर घुसा तो मेरे को लगा CPCT वाकई में आसान है, उसको निकाला जा सकता है, किया जा सकता है। तो मैं अपना पर्सनल अनुभव आपको बता रहा हूं कि आप वाकई में CPCT फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाल सकते हैं और कोई बड़ी बात नहीं है। आपको छोटी छोटी बातों को ध्यान रखना है, वो छोटी छोटी बातें जो भी है मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूं। यदि आप इस वीडियो को फॉलो कर रहे हैं तो आप 100% CPCT फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाल के ले जाएंगे। सबसे पहले तो आपको मैं बता दूं कि CPCT में 75 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। 75 नंबर के क्वेश्चन में आपको मतलब 50% स्कोरिंग मार्क्स चाहिए। यदि 50% मार्क्स आप लेके आते हैं तो उसमें आप सिलेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। मतलब थ्योरेटिकल जो पोर्शन रहता है जिसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहते हैं 75 नंबर के। 75 नंबर में दोस्तों यदि हम बात करेंगे तो आपका कंप्यूटर सबसे ज्यादा आता है, यानी 50 नंबर का लगभग कंप्यूटर आता है। फिर कुछ 5-6 क्वेश्चन जीके के आते हैं, ऐसे 4-5 क्वेश्चन मैथ्स के आ जाते हैं, जनरल अवेयरनेस के आ जाते हैं। तो ऐसे टोटल कुल मिला के हम बात करें, टोटल आपका 75 मार्क्स किसमें CPCT में आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं, और 75 नंबर में से आपको 38 नंबर पास होने के लिए जरूरी होते हैं। यदि आप इसमें 38 नंबर लेके आ जाते हैं तो बिल्कुल शानदार स्कोर है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपको यहां पर स्कोर की जरूरत है। आपको पटवारी एग्जाम में सिर्फ आपका स्कोर कार्ड लगेगा कि हाँ आपने निकाल लिया है। आप इधर पे कोशिश ये करें कि सिर्फ ऐसा देखें कि फर्स्ट अटेम्प्ट में निकल जाए। आप ज्यादा नंबर के पीछे मत भागे, ना टाइपिंग के ना आप अपने क्वेश्चन के, क्योंकि आपको एक एवरेज स्कोर कार्ड मिल गया तो सफिशियंट है। क्योंकि हर गवर्नमेंट एग्जाम में CPCT का स्कोर कार्ड मांगा जाता है, कभी कभी होता है कि स्कोर कार्ड का जो परसेंटेज होता है वो भी देखा जाएगा। लेकिन यदि आप पटवारी की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ एग्जाम में जो भी परसेंटेज रहेगा CPCT का उस पर नहीं है, लेकिन उसका मेन मकसद कि आपको CPCT क्वालिफाई होना चाहिए। तो इस बात को ध्यान रखना कि 50% आपको मार्क्स लाना जरूरी है, 75 में से 38 नंबर। दूसरी बात, यदि हम हिंदी की बात करेंगे, हिंदी टाइपिंग की बात करें या इंग्लिश टाइपिंग की बात करेंगे, तो जो हिंदी और इंग्लिश टाइपिंग में यदि हम बात करें तो 30 वर्ड नेट, यानी जो 30 शब्द होना चाहिए बिल्कुल नेट पर मिनट होना चाहिए, यानी आपके जो इंग्लिश के वर्ड हैं टाइपिंग में 30 एक मिनट में आपको 30 यदि आपने टाइपिंग कर ली, अच्छे से कर ली, तो आपका यहां पर इंग्लिश टाइपिंग भी क्वालिफाइड हो जाएगा। और यदि आप 20 वर्ड को टाइप करते हैं हिंदी में तो आप यहां पर भी पास हो जाते। ये जो मैं आपको बता रहा हूं इस तरीके से बता रहा हूं, इस लेवल से बता रहा हूं कि आप आराम से कर सकते हैं CPCT में। और CPCT में यदि आपने कर लिया तो आप अच्छे से हो जाएंगे, आपको दिक्कत भी नहीं रहेगी। CPCT आपको पटवारी में तो काम आने वाली है, पटवारी के साथ साथ जितने भी हाई कोर्ट में वैकेंसी निकलती है, आपकी कोर्ट में निकलती है, जहां भी आपको CPCT जरूरत रहती है, तहसील लेवल पर निकलती है, उन सभी में आपको टाइपिस्ट के लिए भी काम आएगी। तो आप ध्यान रखिएगा CPCT में टाइपिंग स्पीड पर ज्यादा आपको फोकस करना है, क्योंकि यदि आपने इंग्लिश की टाइपिंग अच्छी कर ली तो आप हिंदी की आसानी से कर सकते हैं। क्योंकि जो इंग्लिश की टाइपिंग होती है उससे आपके उंगलियों पर जो वर्ड होते हैं, यानी छोटे छोटे ABCD अल्फाबेट होते हैं, वो आपके क्लियर हो जाते हैं, आपको आइडिया लग जाता है कौन सा अल्फाबेट कहाँ है, तो आप आसानी से कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप टाइपिंग पर ध्यान दें और टाइपिंग आप इंग्लिश की सीखें। इंग्लिश की टाइपिंग यदि आप सीख जाएंगे तो आप हिंदी की टाइपिंग थोड़ा सा आसान होगा समझने में, लेकिन हिंदी की टाइपिंग इतनी आसान नहीं जितनी मैं आपको बता रहा हूं और आप समझ रहे हैं। क्योंकि हिंदी की टाइपिंग हो चाहे इंग्लिश की टाइपिंग हो, मैं आपको गाइड कर सकता हूं, समझा सकता हूं, आपको बता सकता हूं, लेकिन आपको करना खुद पड़ेगा, इसमें मेहनत करनी पड़ेगी। टाइपिंग को आप इतना इजी सब्जेक्ट ना लें, ना इतना आसान लें, क्योंकि मैंने भी करके देखी है, बड़ा टेढ़ी खीर है इसमें और बड़ी दिक्कतें होती हैं। तो समझने में भी आसान लगता है लेकिन करने में उतना आसान नहीं है, सुनने में आसान लगता है लेकिन करने में आसान नहीं है। इसलिए मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, लेकिन मैं आपको ये बोल रहा हूं कि यदि आप ईमानदारी से प्रैक्टिस करते हैं तो आप टाइपिंग अच्छे से कर लेंगे। और यदि आपने हिंदी इंग्लिश टाइपिंग पे फोकस कर लिया तो CPCT फर्स्ट अटेम्प्ट में निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, और ना ऐसा कोई हवा बना रखा है लोगों ने कि CPCT नहीं निकाल सकते, आप आसानी से निकाल सकते हैं, है ना। लेकिन आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं, आप सिर्फ अपनी इंग्लिश टाइपिंग देखें पहले, इंग्लिश टाइपिंग के साथ साथ आप हिंदी टाइपिंग देखें, हिंदी टाइपिंग इंग्लिश टाइपिंग आपकी प्रॉपर हो जाएगी, तो आप अपने सब्जेक्ट को मतलब कंप्यूटर को अच्छे से पढ़ते रहिएगा। यदि आपने कंप्यूटर को अच्छे से स्कोर कर लिया तो आपका मतलब थ्योरी वाला पोर्शन जो भी रहेगा वहां से आपको 38 नंबर आसानी से
मिल जाएंगे। यदि आपने 38 नंबर लाली, मैं बोलता हूँ यदि आप थोड़ा भी पढ़ लोगे तो 50 नंबर आराम से लेके आओगे, 40-45 नंबर आ जाएंगे, तो आपका थ्योरेटिकल पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन आपको जो मेन फोकस करना है वो अपनी टाइपिंग हिंदी और इंग्लिश दोनों टाइपिंग पे करना है, और आप अच्छे से मेहनत करें, अच्छे से समझें। और पटवारी में आप ध्यान रखें कि आपको सीपीसीटी यदि निकाल लिया तो आप पटवारी में बाद में परेशान नहीं होंगे, बाद में टेंशन नहीं रहेगी कि यार सीपीसीटी देना है क्या करना है। अभी सीपीसीटी का नोटिफिकेशन भी बहुत जल्दी आ जाएगा, मतलब मार्च चल रहा है, मार्च के लास्ट वीक में हो सकता है आपका सीपीसीटी का एग्जाम के लिए नोटिफिकेशन आ जाए। यदि नोटिफिकेशन मार्च में आता है तो आपके अप्रैल में एग्जाम होने की संभावना बनती है, क्योंकि जब नोटिफिकेशन आता है उसके एक महीने का आपको टाइम मिलता है और आप आराम से एग्जाम दे सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं स्पीड पर ध्यान रखें, और आपको सीपीसीटी से रिलेटेड कोई जानकारी की जरूरत है, सीपीसीटी में कोई आपको सब्जेक्ट जैसे कंप्यूटर समझ में नहीं आ रहा है, तो अभी मैं कोशिश करता हूं कि आपको कंप्यूटर के भी क्वेश्चंस लेकर आऊंगा जो सीपीसीटी में काम आएंगे, साथ में पटवारी में सब्जेक्ट है कंप्यूटर का उसमें भी काम आएंगे। और दूसरी बात, मैं अभी आपको कुछ वीडियो ला रहा हूं टाइपिंग के, टाइपिंग की मैंने बात कर ली तो बहुत ही जल्दी आपको टाइपिंग के वीडियोज मिलेंगे। और टाइपिंग को मैं बता दूं 10 दिन में टाइपिंग आपको सिखाऊंगा, 10 दिन में पूरी कंप्लीट टाइपिंग सिखाएंगे, लेसन 1 लेसन 2 करके सिखाएंगे, 10 लेसन होंगे जिसमें आपकी इंग्लिश की टाइपिंग बहुत ही अच्छी और परफेक्ट हो जाएगी, लेकिन आपको उसमें थोड़ी सी मेहनत करना पड़ेगी। यदि आप लोग टाइपिंग के वीडियो चाहते तो एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, जिससे आपको सारी डिटेल मिल जाएगी, और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आप लोग भी तैयार हैं तो आपको टाइपिंग की वीडियो हम बना के दें, जिससे आपको अच्छा लगे और आप समझ पाए और सीख सकें, जिससे आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप बाहर कहीं नहीं जाना है, ना किसी टाइपिंग सेंटर जाना है, ना कहीं जाना, सिस्टम आपके पास है तो आप आसानी से समझ सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, और पटवारी परीक्षा 2021 के लिए तैयारी भी करते रहें, और साथ साथ में मैं आपको बता दूं एएस अकेडमी मध्य प्रदेश पटवारी परीक्षा 2021 के लिए नोट्स प्रोवाइड करा रहे हैं, जो आपके लिए सफलता के बहुत ही करीब लेकर जाएंगे। पूरा संपूर्ण सिलेबस आपको मिलेगा, जिसमें कंप्यूटर मिलेगा, पंचायती राज ग्रामीण अर्थव्यवस्था मिलेगी, हिंदी मिलेगी, मैथ्स मिलेगी, पूरा कंप्लीट जीके मिलेगा। तो दोस्तों 5 बुक्स रहेंगी, और 5 बुक्स के घर पे स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेजी जाएंगी। यदि आप एमपी पटवारी 2021 के लिए नोट्स मंगाना चाहते हैं तो दिए गए नंबर 9117150039 पर कॉल करके मैसेज करके बता सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर तो हाई लिख के भेजिएगा, यहां पर नोट्स की डिटेल मिल जाएगी। 2-3 दिन में नोट्स आपके घर पे स्पीड पोस्ट के माध्यम से पहुंचते हैं, जो आपको सफलता के बहुत ही करीब लेकर जाएंगे, और मेरा पूरा विश्वास है कि नोट्स आपको 100% पसंद आएंगे, और आप जरूर जितने लोग भी ले रहे हैं या जो ले चुके हैं वो बहुत पसंद कर रहे हैं और सराहना दे कर रहे हैं और इतना प्यार दे रहे हैं इस अकेडमी के लिए, इसलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और कोई भी सवाल हो, चाहे पटवारी से रिलेटेड चाहे सीपीसीटी से रिलेटेड, एक बार कमेंट करना, मैं 100% कोशिश करूंगा कि आपके कमेंट्स का जवाब दूं। नमस्कार, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अच्छे से रहिएगा।